आय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तिवेदांत एकेडमी नोएडा के भाग्यशाली भक्ति शास्त्री के भक्तों, आप सबका श्री ईशोपनिषद के अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। हमने श्री ईशोपनिषद के अंतिम भाग प्रार्थनाएं भगवान को ऋषि कर रहा है, भगवान के साक्षात दर्शन का, ये 15, 16, 17 और 18 श्लोकों का अंतिम विभाग है। इससे सिद्धांत ये स्थापित होता है कि हम ईशावाशा सिद्धांत को जान भी जाएं, हम आध्यात्मिक दृष्टि भी अपनी बना लें, हम सही उपासना भी करें, सही विद्या भी हमको हो, फिर भी भगवान की कृपा के बिना भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझना और उसकी सेवा में लगना संभव नहीं। सो 15वें और 16वें श्लोक में ऋषि, इस ईशोपनिषद का ऋषि भगवान को, जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है जिससे उनका असली वास्तविक स्वरूप ढका हुआ है, उसको हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज का ये 16वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। 16वें श्लोक में लिखा है, ये कुछ भगवान के विशेषण है। पूषण एक ऋषे यम सूर्य प्रजापत्या व्योहो रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो अश्व असहो पुरुषः सो अहम अस्मि। पहले भगवान के लिए शब्द है पूषण, ये शब्द हमारे 15वें श्लोक में भी आया था। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं और इसी पूषण शब्द को प्रभुपाद जी ने 15वें श्लोक में एक बहुत ही विलक्षण परिभाषा दी है। पूषण का अर्थ है भगवान ब्रह्म और परमात्मा का भी आधार है। एक ऋषि जो शब्द है, ये एक ऋषि शब्द का अर्थ है एक मतलब आदि, और ऋषि का मतलब वैसे दृष्टा कहते हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि को कहते हैं, और या कोई बहुत बड़ा दार्शनिक। और यम का मतलब है सबको नियम में रखने वाला, सबका नियंत्रण करने वाला। और सूर्य का अर्थ है भक्तों का, सूर्य शब्द जो है वो भक्तों का सूचक है, भक्तों का, शुद्ध भक्तों का लक्ष्य। जैसे देवताओं को भी सूर्य कहते हैं, भक्तों को भी सूर्य कहते हैं। और प्रजापति का मतलब सारे प्रजापति, जिनका भगवान शुभ चिंतक है, जो ये सृष्टि करते हैं। तो ये चार विशेषण, पांच विशेषण है पहले भगवान के। भगवान पूषण है, एक ऋषि है, यम है, सूर्य है, प्रजापति है। और फिर प्रार्थना आती है व्यूह रश्मिन समूह, इसका मतलब जो प्रकाश आपको ढक रहा है उसको हटाइए। तेजो यत, जो तेज है, जो प्रकाश की किरणें हैं, रूपम कल्याणतमम, आपका जो रूप है कल्याण कल्याण कल्याणतर कल्याणतमम, जो ब्रह्म का आपका साक्षात्कार है वो कल्याणकारी है, आपका परमात्मा का साक्षात्कार है वो कल्याणतर है, परंतु आपके भगवान का साक्षात्कार
कल्याण तमम है। और फिर कहते हैं तत्ते पश्यामि, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। यो अश्वासहो पुरुषः, यह असहो असहो पुरुषः, आप परम पुरुष भगवान हो। सो हम, और मैं भी वैसा हूं। किस बात में? गुणों में, मात्रा में नहीं। सो इसका अनुवाद आप हिंदी में श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को आप पढ़िए, क्या लिखा है इसका अनुवाद। हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, हे मेरे नाथ, क्या लिखा है? हे आदि, आप बोल पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपने दिव्य किरणों के तेज को हटा लीजिए, जिससे मैं आपको आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। तो यह मैं एक शब्द सूर्य लिखा है, तो सूर्य और सूर्य की किरण दोनों एक भी हैं और एक नहीं भी हैं। तो ये श्लोक अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो चेतन महाप्रभु है उसका सूचक है। तो अब आप देखिए, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये विभाग में इन शब्दों का अर्थ मध्वाचार्य ने, जिसकी संप्रदाय से महाप्रभु ने हमको जोड़ा है, उन्होंने विष्णु को एक ऋषि कहते हैं। वो कहते हैं भगवान विष्णु जो है उसको एक ऋषि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब ज्ञान, सब जो ज्ञान है उसका आदि पुरुष है। तो एक ऋषि शब्द विष्णु का सूचक है, ऐसे मध्वाचार्य कहते हैं, क्योंकि यही ज्ञान का स्वरूप है। और यम शब्द जो है वो भी भगवान के लिए है कि वो सबका नियंता है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे बैल को नाक में रस्सी डाल के जो मालिक चलाता है, जैसे वो चलता है, ऐसे हम सारे देवता और ये सब जीव भगवान के नियम में चलते हैं। और सूर्य भी भगवान को ही कहा गया है, और यहां सूर्य का अर्थ है सारे शुद्ध भक्तों का जो है लक्ष्य। सूर्य ही सूर्य भक्तों को कहते हैं। और भगवान को प्रजापति कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है पहला प्रजापति है, उसको तो उत्पत्ति करने वाला ही भगवान विष्णु है। और यहां भगवान को अहम कहा गया है, तो यहां एक अहम का अर्थ मध्वाचार्य लिखता है, अ का मतलब नहीं और ह का मतलब जिसको नकारा ना जा सके, इसका मतलब उसको आप उसके अस्तित्व को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसको त्याग नहीं सकते। उसको अस्मी कहा गया है, क्योंकि वो सब जीवों में है। परमात्मा के रूप में सब जीवों में है। क्यों है? क्योंकि वो जीवों का आदर करता है, जीवों को अपना अंश मानता है, परंतु वो परम है, जीवों से अलग भी है। तो ये है मध्वाचार्य का इस श्लोक के शब्दों का अर्थ, और ये अर्थ है बलदेव विद्याभूषण का। इस श्लोक के ऊपर बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, जो ऋषि है इस मंत्र का, वो प्रार्थना कर रहा है इस मंत्र में। उससे पहले आप ये थोड़ा देखिए, इस मंत्र में जो प्रार्थना 15वें मंत्र में है, उसी को थोड़ा सा भक्ति के रस से मिलाकर भगवान की कृपा की याचना की गई है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, पूषण का मतलब भक्तों का पोषक,
और एक ऋषि का मंत्र का अर्थ है मंत्र दृष्टा, मंत्र को प्रकाशित करने वाला, और यम है सारे जगत का नियंता, और सूर्य है भक्तों के द्वारा पूजित, और प्रजापति का मतलब सारे प्रजापति उससे उत्पन्न होते हैं, और फिर व्यूह रश्मिन समूह, इसका मतलब है भगवान आप इस अपने प्रकाश को हटाइए और हमको आपके रूप का दर्शन करने दीजिए और हमारे ऊपर हमको ज्ञान दीजिए। ये असल में उपनिषद, क्योंकि ज्ञान के रास्ते का जो है ये ज्ञान कांड है वेदों का, इसलिए इसकी परिभाषा भी ज्ञान की दृष्टिकोण से बलदेव विजयभूषण कर रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ है आप ये जो प्रकाश के किरणें हमारे आपके दर्शन में बाधा डाल रहे हैं इसको आप हटा दीजिए। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप मैं आपके सुंदर कल्याणतमम बहुत शुभ रूप का दर्शन कर सकूंगा आपकी कृपा से। जो ये शब्द ते है, ते का मतलब आपकी कृपा से। उसके उपरांत वो कह रहा है किस प्रकार से इस भगवान के रूप को देखा जा सकता है, तो कहते हैं जैसे कोई सूर्य लोक में रहने वाला व्यक्ति हो और वो जो सूर्य को देखे, ऐसे मैं सूर्य लोक में रहने वाला मतलब प्रकाश में जो है वो प्रकाश को देखे, ऐसे मैं भी शुद्ध होके आपको देखूं। सो अहम, आगे कहते हैं कैसे भगवान के रूप को देखा जा सकता है। जैसे जो सूर्य में रहने वाला व्यक्ति, वो सूर्य में रहता है परंतु वो सूर्यदेव से अलग है, सूर्य देव नहीं है, सूर्य लोक में रहने वाला है, ऐसे मैं इसको कहना सो अहम। जो शब्द है ज्ञानियों के लिए तो ये बहुत बड़ा उत्सव का शब्द है, सो अहम बस हो गया मैं वही हूं, परंतु यहां भाव है दासो अहम, मैं भगवान आपका सेवक हूं, परंतु मैं आपसे गुणों में समान हूं, मात्रा में समान नहीं हूं। बलदेव विद्याभूषण के अनुस्वार वेदांत सूत्र में भी सो अहम शब्द है 3.3.46 में, और गोपाल तापनी उपनिषद में भी ये शब्द है। इन तीनों को कठा करके देखते हैं, क्योंकि यहां के सोहम को हमें भगवान बन जाऊं अगर हम लें मायावादियों की तरह, तो उसको उस गलती से बचने के लिए दो और जगह सोहम शब्द है बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, वेदांत सूत्र में भी है और गोपाल तापनी उपनिषद में भी है। वहां उन दोनों जगहों में सोहम का अर्थ है जब भक्त बहुत बड़े आनंद में विभोर हो जाता है, तो वो कहता है मैं जैसे गोपियां रासलीला में भगवान जब राधा रानी के संग उनसे अलग हो गए, तो गोपियां एक उन्माद में कहती हैं अरे तुम क्यों डर रही हो, क्या करेगा इंद्र, मैं गोवर्धन उठा लेती हूं। वो जो मैं कृष्ण हूं ऐसा भाव कर रहे थे, ये एक विशेष प्रेम की अवस्था है जिसको प्रणय कहते हैं। प्रणय के स्थान में भगवान और भगवान के भक्त में एकत्व हो जाता है, जैसे भगवान के सखा हैं। श्रीधामा कहता है कृष्ण तुम मुझसे कुछ बड़े क्या हो, तुम नंदबाग के बेटे हो तो क्या हुआ, तुम और हम बराबर है। ये जो एकत्व है इसको कहते हैं प्रणय, ये प्रेम का ऊपर का स्तर है। ऐसी बात इस सोहम का अर्थ निकालना चाहिए,
परंतु शंकराचार्य सो अहम को कहता है मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मस्मि। लेकिन परब्रह्म नहीं हूं, परब्रह्म भगवान है, मैं ब्रह्म हूं। तो ये कुछ दो आचार्यों की टीका बताई गई। अब आप देखिए हमारा जो अनुच्छेद है, इसमें 8 अनुच्छेद हैं। पहले 2 अनुच्छेद में बताया, प्रभुपाद लिखते हैं व्यू रस्मिन, इसका मतलब ब्रह्म तेज के प्रकाश से परे है भगवान, भगवान ब्रह्म तेज के प्रकाश से परे हैं। 3-4 अनुच्छेद में कल्याणतम, जो भगवान का यहां अनुभूति को कल्याणतम कहा गया है, उसकी परिभाषा है। और 5वें अनुच्छेद में पूषण शब्द की परिभाषा है कि भगवान अपने भक्तों का कैसे पोषण और रक्षण करते हैं, और सबका करते हैं, प्रथम भगवान भक्तों का विशेष करते हैं। और 6 और 7 अनुच्छेद में है सो अहम की परिभाषा, कैसे जीव भगवान के समान भी है और समान नहीं भी है। और अंतिम 8वें अनुच्छेद में लिखा है भगवान का कृपा और सहयोग और सहायता शुद्ध भक्ति की प्रार्थना से ही संभव है। अगर हम भगवान की कृपा चाहें, सानिध्य चाहें, उनका शुभ चिंतन चाहें, उनका फेवर चाहें, तो हमको शुद्ध भक्ति भरी प्रार्थना भगवान को करनी चाहिए। और वैसे भी हमारी 9 भक्ति में 1 भक्ति का अंग है प्रार्थना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम वंदनम, वंदना का अर्थ है प्रार्थना। तो ऐसे ये हमारा इस अनुच्छेद सारे इस तरीके से हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे भगवान तो बहुत आगे आएगा। अब स्क्रीन को छोड़िए, अपने पुस्तक को खोलिए, और पुस्तक में प्रभुपाद जी पहले ये जो प्रकाश है इससे परे भगवान है, इसको समझाने के लिए पहले दे रहे हैं एक उदाहरण। सूर्य, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, वो दोनों एक भी हैं, किस में, गुणों में। ऐसे भगवान और जीव भी गुणों में समान है। सूर्य एक है, किरणें अनेक हैं, उससे निकलने वाले रश्मियां बहुत हैं, अनेक हैं। ठीक ऐसे, परंतु ये सारे किरणें सूर्य से ही निकलती हैं, वो सूर्य का ही हिस्सा है, भाग है। सूर्य और सूर्य के किरणें दोनों मिलकर पूर्ण बनाती हैं सूर्य को, और सूर्य के अंदर भी सूर्य देव रहते हैं। तो अब हो गया सूर्य की किरणें, सूर्य और सूर्य देव। ठीक ऐसे ही परम आध्यात्मिक जो लोक है, जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, वहां से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकलता है, परंतु ये सूर्य के किरणों के समान है, और भगवान वहां आनंद से विहार करते हैं। अब सूर्य, सूर्य का लोक और सूर्य के किरणें, इन 3 से उपमा दी गई है भगवान, भगवान का लोक और भगवान के अंश जीव। अब श्लोक दिया है ब्रह्मा संहिता का, चिंतामणि पार्कमसद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभेर विपालयन्तम् यम लक्ष्मीं सहस्रशत संभ्रसेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अब इसका अनुवाद पढ़िए।
हाँ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ जो चिंतामणि से पूरे तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित हैं। अब दूसरा अनुच्छेद आ रहा है और दूसरा अनुच्छेद भी इसी सूर्य की किरणों के समान ब्रह्म से परे भगवान है, उसकी परिभाषा बताएंगे। तो ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्म संहिता में यहाँ भगवान आध्यात्मिक जगत से गोलोक वृंदावन से भगवान के अपने ही सच्चिदानंद विग्रह से जो प्रकाश निकलता है वो ऐसे है जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं। ये पहली लाइन है। अब प्रभुपाद लिखते हैं जब तक कोई उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को पार नहीं करेगा तब तक उसको भगवान के धाम का पता नहीं मिलेगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए जो निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, दार्शनिक, वो इस प्रकाश से अंधे हो जाते हैं। ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश उनकी आंखें चुंदिया जाती हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं, इसलिए उनको दो चीजों का पता नहीं लगता है। एक भगवान के वास्तविक धाम का पता नहीं लगता है और दूसरा भगवान के दिव्य रूप का पता नहीं लगता है। तो अब यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं विहू रश्मिन का अर्थ है जब तक ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से पार नहीं जाया जाएगा तब तक न भगवान के धाम का पता लगेगा और न भगवान के चिन्मय दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का पता लगेगा। ये दो चीजें देखो। और ये निराकारवादी जो दार्शनिक है, और ऐसे हमने पढ़ा है सुना है कि भगवान के प्रकाश को देख के आंखें बंद करके अन्य मजहबों में भी कहते हैं भगवान प्रकाश के रूप में आया, हमारी आंखें बंद हो गई, उसके पीछे भगवान का रूप दिखाई नहीं। प्रकाश को नूर कहते हैं, नूर का मतलब बहुत ज्यादा तेज। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है ऐसे निराकार वादी दार्शनिक वो भगवान के आनंदमय दिव्य श्री कृष्ण के रूप को नहीं जान सकते। वो श्री कृष्ण के आनंदमय स्वरूप को नहीं जान सकते। इसलिए इस श्लोक में इस उपनिषद में भगवान को इस प्रकाश को हटाने के लिए प्रार्थना की जा रही है ताकि शुद्ध भक्त भगवान के सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सके। यह हमारे दो अनुच्छेद पूरे हुए। अब जो अनुच्छेद आ रहे हैं तीन और चार, इसमें कल्याणतम शब्द की परिभाषा है। ऐसे आप किताब के कोने में ये लिखते जाएंगे तो दोबारा जब आप कभी पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा, क्योंकि आज से परीक्षा के बाद आप इसको छोड़ देंगे, कभी दोबारा किताब खोलेंगे तो आप दोबारा पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां तक व्यू रश्मिन शब्द की परिभाषा प्रभुपाद ने लिखी। अब दो अनुच्छेद में प्रभुपाद जी परिभाषा लिख रहे हैं कल्याणतम की, और कल्याणतम की परिभाषा के अंतर्गत एक परिभाषा लिख रहे हैं भगवान शब्द की श्री राजीव गोस्वामी के भगवत संदर्भ से, और ये आपके क्वेश्चन बैंक में प्रश्न है।
तो आइए कल्याणतम की परिभाषा को पढ़ते हैं। आपका कोई प्रश्न अभी तक कोई प्रश्न है आपका? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो हम आगे पढ़ते हैं। अगर कोई निराकार ब्रह्म ज्योति की अनुभूति कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसने कल्याण का अनुभव किया है, भगवान के कल्याण रूप का अनुभव किया है। और अगर किसी ने परमात्मा की अनुभूति की है तो उसने भगवान के सर्वव्यापी रूप की अनुभूति की है और ये कल्याणतर है। परंतु अगर कोई साक्षात भगवान परम पुरुष के से आमने सामने मिले हैं, जो भक्त की अनुभूति होती है वो कल्याणतम है। अब आप देख रहे हैं, आप देखिए, ब्रह्म है कल्याण, परमात्मा की अनुभूति है कल्याणतर और भगवान की अनुभूति है कल्याणतम। ये आपको तीनों अनुभूतियों की, आपके हिंदी में हो सकता है मैं पढ़ता हूं ऐसे ना लिखा हो परिभाषा, परंतु ये सीधा अर्थ इसका ये है, ब्रह्म की अनुभूति कल्याण है, परमात्मा की अनुभूति कल्याणतर है और भगवान की अनुभूति कल्याणतम है। और इस श्लोक में कल्याणतम कहा जा रहा है, इसका अर्थ के ऋषि भगवान के दर्शन की बात कर रहा है, ब्रह्म और परमात्मा की बात नहीं कर रहा है। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी एक और शब्द की परिभाषा इसके अंतर्गत कर रहे हैं, एक ऋषि। अब जो लाइन लिखी है वो है, क्योंकि भगवान को संबोधन किया गया है एक ऋषि आदि दार्शनिक चिंतक, और भगवान को कहा गया है पूषण सबके पालन करने वाले, और भगवान को कहा गया है जगत के शुभ चिंतक। ये तीन तीन शब्दों का देखिए आप, ये तीन शब्द यहां लिखे हैं। ये तीन शब्द इस बात का प्रमाण है कि भगवान निराकार नहीं है। अब ये तीन बातें जो लिखी है, पहली क्या बात है कि भगवान एक ऋषि है, एक ऋषि इसका मतलब आदि चिंतक, ज्ञान का स्वरूप, और भगवान सबका पालक है, और भगवान सर्वव्यापक और सबका शुभ चिंतक है। जो ये तीन गुण भगवान के श्लोक में हैं, इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, निराकार ये काम नहीं कर सकता है। पूषण जो शब्द है, सबका पालक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान भले सबका पालन पोषण करते हैं परंतु अपने भक्तों का विशेष पालन पोषण करते हैं। इसको प्रभुपाद जी अन्य स्थानों पे उदाहरण देते हैं, एक बड़ा दानी पुरुष कोई सबको दान दे दे लेकिन अपने बच्चों के साथ उनका व्यवहार अलग होता है, ऐसे सब दुनिया का भगवान परमात्मा के रूप में पालन करते हैं, परंतु भक्त का साक्षात भगवान कैसे पालन करते हैं, जैसे अर्जुन का सारथी बन जाते हैं। परमात्मा तो नहीं बन सकता सारथी, सारथी ब्रह्म तो नहीं बनता है सारथी, तो अर्जुन का सारथी भगवान का बनना ये भगवान का विशेष पोषण है, पोषण है, रक्षण है। तो भक्तों के साथ भगवान का जो आदान प्रदान है और उनका पालन पोषण है वो विशेष है,
और सामान्य लोगों का जो है वो परमात्मा के रूप में है। सबको हवा पानी तो देते हैं, परंतु भक्तों का विशेष रूप से पोषण करते हैं। जब कोई ब्रह्म ज्योति को पार कर जाता है और भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है, जो मंगलकारी है, कल्याणतम है, तब समझना चाहिए कि भक्त ने पूर्ण परम सत्य की अनुभूति कर ली, पूर्ण परम सत्य की अनुभूति कर ली। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है भगवान शब्द की परिभाषा। भागवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी परम सत्य का जो पूर्ण धारणा है और उसकी जो अनुभूति है भगवान के रूप में, उसके लिए दो शब्द लिखते हैं। पहला शब्द क्या है? वो सर्वशक्तिमान है। पहला शब्द क्या है? नंबर वन, सर्वशक्तिमान। और नंबर दो क्या है? सब दिव्य शक्तियों के स्वामी, सर्व दिव्य शक्तियों से संपन्न। ये आपको दो शब्द मिले। हाँ जी, श्री जो जीव गोस्वामी परम पुरुष भगवान परम सत्य की अनुभूति, पूर्ण अनुभूति में दो बातें कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान है और सारे पूर्ण रूप से सारे शक्तियों का, सारी दिव्य शक्तियों में परिपूर्ण है। सेम लिखे हैं। हाँ, तो ये दो शब्द को मैं कहता हूँ, इन दो शब्दों को आप नंबर वन नंबर टू करके नोट करके लिखो। ये है परिभाषा परम सत्य की। और फिर कहते हैं भगवान की पूर्ण शक्ति, परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति ब्रह्म अनुभूति से नहीं हो सकती, ये अधूरी अनुभूति है। ये भगवान की परम सत्य की अधूरी अनुभूति है, क्योंकि इसमें भगवान की शक्तियों का, ये अगर आपको याद आए तो कल हमने ये पढ़ा था। देखिए यहां, ये देखिए जो सांख्य मार्ग है, जहां 24 तत्वों का विश्लेषण करते हैं, वहां परम सत्य को भौतिक मानते हैं, क्योंकि ये सारे परम तत्व जो सत्य है, ये 24 भौतिक तत्व है, तो इसको कहते हैं भौतिक तत्व। और जो ज्ञानी है, जो परम सत्य को ब्रह्म मानते हैं, वो भगवान को शक्तियों रहित मानते हैं, कोई भगवान की शक्ति नहीं है, और ये सत्य की अनुभूति है, शक्ति रहित भगवान। तो यहां तो जीव गोस्वामी कहते हैं सर्वशक्ति संपन्न भगवान होना चाहिए, तो ज्ञान की संभूति अधूरी इसलिए है कि वो शक्ति रहित है। और योगी जो परमात्मा की अनुभूति करते हैं, उसमें भगवान की भौतिक शक्तियों का तो उनको पता लगता है, परंतु आध्यात्मिक शक्तियों से वो भी अवगत नहीं होते, इसलिए उनकी भी अनुभूति अधूरी है। और वो केवल सत्य और चित्त की अनुभूति कर सकते हैं, परंतु भक्ति के द्वारा परम सत्य के भौतिक और आध्यात्मिक संपूर्ण शक्तियों की अनुभूति का पता लगता है, तो इसको कहते हैं सच्चित आनंद की अनुभूति। तो ये बात यहां दोबारा कही गई है। अब आप देखिए इसी बात का यहां वर्णन हो रहा है।
अब आगे लिखा संबोधन है, हे विद्वान ऋषियों, जो भगवान में पहला शब्द है भ, उसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है जो सबका पूर्ण रूप से पोषण करे, भरण पोषण करे, और दूसरा अर्थ है सबका अभिभावक या संरक्षक। क्या शब्द लिखा है हिंदी में? हाँ, गार्डियन के लिए क्या लिखा है? अभिभावक या संरक्षक, जो भी समझो आप। ये भक्त की दो परिभाषाएं हैं। अब दूसरा जो भगवान में अक्षर है ग, उसके तीन अर्थ हैं, मार्गदर्शक, नेता, सृष्टा। क्या लिखा है वहां हिंदी में? ग शब्द के तीन अर्थ क्या लिखे हैं? पथ प्रदर्शक या सृष्टा। पथ दर्श या पथ प्रदर्शक? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक गाइड जी, या सृष्टा। और सृष्टा का मतलब है सृष्टि करने वाला। और बीच में नेता शब्द भी लिखा है अंग्रेजी में, लीडर, गाइड, लीडर या क्रिएटर, तीन है। अब तीसरा शब्द है जो भगवान में, तीसरा शब्द है वान। ये जनरली हम वान शब्द हैं, जैसे धनवान कहते हैं कि इसकी जिसके पास धन हो, लेकिन यहां वान शब्द का अर्थ है वसति। वसति का मतलब जहां रहता है। तो यहां वान शब्द का अर्थ है सब जीव भगवान में रहते हैं और सब जीवों में भगवान रहते हैं। यह है वसति के अर्थ में वान। सब जीवों में भगवान है और सब जीव भगवान में है। दूसरे शब्दों में दिव्य, ये जो भगवान शब्द है, ये असीम ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, प्रभाव, इन सब का सूचक है, जिसके अंदर कोई भौतिक लेश नहीं है। ये छह जो शब्द लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, असल में आप इसको देखें तो ये वही शब्द हैं जो भगवान ज्ञान, ज्ञान है, वैराग है, ये जो छह शब्द भगवान शब्द की माना है ना, यहां भी छह ही लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहां अंग्रेजी में भगवान ने उनकी दूसरी प्रभुपाद ने परिभाषा दी है, वही चीज। आप पढ़िए क्या शब्द लिखे हैं प्रभुपाद ने, इसका हिंदी में अर्थ क्या लिखा है? भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है भगवान शब्द। हाँ, जिसमें लेख मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। अब देखो, ये भगवान की वही परिभाषा है जो हम सदा पराशर मुनि के भगवान शब्द का अर्थ जानते आ रहे हैं, जिसमें ये छह गुण हो। ये भग का अर्थ है छह, और वान का अर्थ है जिसके अंदर हो। ये भगवान शब्द जो है, ये शब्द छग्गन शब्द जो है, हमारे कुछ लोगों का नाम होता है छग्गन, छह का मतलब छह, गुण का मतलब छह गुण, जिसमें ये भगवान का सूचक है। अब यहां भगवान की परिभाषा देखो, आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है। भगवान भर्ता, भर्ता का मतलब पालन पोषण करने वाला, अभिव्यक्ता जो भी अभिभावक। ग का मतलब गम्यते, और वान का मतलब वसति। श्री जीव गोस्वामी ने इसका अर्थ ऐसे किया है, भर्ता गम्यते वसते, और गम्यते का अर्थ लिखा है गार्डियन, मार्ग पथ बर्दाश्त और सृष्टा, और वान का अर्थ है जो जीवों में है और सब जीव। और एक भग का दूसरा अर्थ है जो अपने ऐश्वर्य को जीव के ऊपर प्रकाशित करे
और उसके द्वारा जीव को भाग्यवान बनाए। ये एक और भग का अर्थ है चेतन चैतन्यमृत में, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव। भाग्यवान जीव वो है जिसके ऊपर भगवान ने अपनी कृपा की है और गुरु का आश्रय दिलाया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भगवान कल्याणतम है, क्यों? क्योंकि ये सर्वोपरि है और परम लक्ष्य है। वो दूसरा, वो भक्तों की सहायता करते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनके ऊपर कृपा करके उनकी भक्तों की सहायता करते हैं। ये दो लाइनें ली गई हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है ना कल्याणतम, उसमें से ये दो लाइनें ली गई है। पहला ये है कि भगवान परम गति है और दूसरा है भक्तों के ऊपर कृपा करके, भक्तों का सहयोग कृपा करके करते हैं। ये पूरे अनुच्छेद के दो अर्थ हैं इसके, ये जो चौथा अनुच्छेद है तीसरे अनुच्छेद का। और फिर भगवान की परिभाषा हम पढ़ के आए। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने पांचवा अनुच्छेद पढ़ा पूषण वाला, कितना पढ़ा हमने, चार पढ़ा ना जी प्रभु जी, चौथा पढ़ा अभी, चौथा। पांचवा जो है वो शब्द पूषण की भी परिभाषा करता है, और पूषण का अर्थ हमने क्या कहा, पालने वाला, और भ का अर्थ क्या है, हाँ भगवान शब्द में भ का अर्थ क्या है, भर्ता, पालन करने वाला, गार्डियन। तो असल में ये भगवान शब्द के तीनों जो अर्थ किए हैं अभी उन्हीं का विस्तार किया जा रहा है। पांचवें अनुच्छेद में भ और ग की परिभाषा दी गई है। अब पढ़िए आप, कोई आप में से पढ़े। भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततो गत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। अब देखिए ये दो लाइन पढ़ने से आपको लग रहा है कि भगवान जो भ शब्द है उसकी परिभाषा है। अब भ का अर्थ देखो अपने किताब में जो हमने पढ़ा है, वो सबका भर्ता है और सबका नेता है। भर्ता और नेता, ये दोनों शब्द आए कि नहीं आए? ये भगवान की ही परिभाषा है और पूषण की भी परिभाषा है। हाँ जी, भगवत भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। तो ये है गम्यते का अर्थ, ये है ग जी, ये ग ग जो हमने पढ़ा था, ग का मतलब गाइड, तो लीडर, ये उसकी परिभाषा है कि भगवान मार्गदर्शन बनते हैं, गोलोक जाने के लिए उनको सहायता करते हैं। ठीक है, सृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अनंत उनके पास पहुंच सके। भगवान देखो, ये सृष्टा शब्द गा की परिभाषा थी। आप देखो ये सृष्टा जहाँ शब्द आया है और मार्गदर्शक आया है, ये भ और ग की परिभाषा हो रही है। ये भगवान पूषण कैसे हैं? तो पूषण में दो बातों की परिभाषा की जा रही है, भ और ग शब्द की। आगे पढ़िए। अब प्रश्न होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अनंत उनके पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण है। दूसरे शब्दों में चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतः वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती है क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं
और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। अब क्या यहाँ लिखा जा रहा है, असल में ये जो भगवान पूषण है ना, ये केवल भक्तों के साथ तो मार्गदर्शन करते हैं और अपनी अंतरंग शक्ति के साथ केवल आनंद करते हैं अपने धाम में, तो जो भगवान की बाहरंग शक्ति है ना, उनके साथ जो सृष्टि करने का काम करना है वो साक्षात भगवान स्वयं नहीं करते हैं। वो अपने तीन पुरुष अवतार गर्भोदक्षाय, कारुणदक्षाय और स्खीरोदक्षाय के द्वारा करते हैं। तो भौतिक शक्ति के संपर्क में भगवान पूषण के रूप में नहीं आते हैं, वो केवल भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, नहीं तो अपने आनंद में अंतरंग शक्ति के। तो भक्ति भी अंतरंग शक्ति का ही तो विलास है, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, इसलिए भक्तों का सहायता करते हैं। बाहरंग शक्ति तीन पुरुष अवतारों के माध्यम से सृष्टि का पालन का और संहार का कार्य करती है। अब ये एक छोटा अनुच्छेद आ रहा है, छठा अनुच्छेद। ये सोहम जी की जो परिभाषा है कि जीव भगवान के समान भी है और समान नहीं भी है, अब इसको हम आगे पढ़ना चाहते हैं और फिर अंतिम में भगवान की कृपा की बात करेंगे। ये है कि जीव, हाँ, भगवान के साथ जीव एक भी है और एक नहीं भी है। कैसे? भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं, स्व अंश होते हैं वो विष्णु तत्व है, विभिन्न अंश होते हैं वो जीव है, ये हम जानते अब सुनेंगे। भगवान के समान कैसे है जीव और कैसे जीव नहीं है भगवान के समान, ये आप पढ़िए। अब पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। इस प्रकार जीव आत्मा का नियामक भगवान के जमीन आसमान का अंतर है, परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रक है। ये आप कहाँ पढ़ रहे हैं? ये ऊपर वाला पुलिस। हाँ, नहीं आप इससे ऊपर पढ़े, आप ये नीचे चले गए, एक अनुच्छेद नीचे। सारे जीव भी भगवान के ही मेन अंश हैं और चूंकि इनमें कुछ स्वामी बनना या परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, देते हुए उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर लें। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति में संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया के अलौकिक हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है स्वयं भगवान ही है। अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा गया है, ये यहाँ ये लिखा गया है, क्योंकि ऊपर लिखा है ना बाहरंग प्रकृति को तीन पुरुष अवतार के द्वारा काम लेता है। अब उस बात को प्रभुपाद जी थोड़ा सा और खोल के समझाने के लिए लिख रहे हैं जो, और वो विभिन्न अंश इस भौतिक जगत के स्वामी बनने की इच्छा रखते हैं और भगवान ने उनको पूर्ण सुविधा दी है स्वामी बनने की, परंतु वो वास्तव में स्वामी नहीं बन सकते। जो अंतिम और असली स्वामी है वो तो है पुरुष अवतार भगवान का सो अंश, वो है परमात्मा, ये है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तो ये असल में क्या है, भेद बताया है जो अभी आपके स्क्रीन में पड़ा है कि भगवान के दो विस्तार हैं, एक स्वांश विस्तार जिसमें परमात्मा जो है वो विशेष रूप से सबका नियंता है, और स्वांश जीव है वो भौतिक जगत में स्वामी बनने का नकल कर रहा है और प्रयास कर रहा है और उसको सब सुविधाएं दी जाती हैं जब तक वो हताश ना हो जाए। अब आगे पढ़ा बताया जाएगा परमात्मा का काम क्या है, ये जो अनुच्छेद छठा है इसको आप पढ़िए, इसमें परमात्मा के क्या काम है इसका वर्णन है, पढ़िए। हाँ जी, जीव और परमात्मा में दिन रात का अंतर है, ठीक है,
इस प्रकार जीव तथा नियामक भगवान में जमीन आसमान का अंतर है, परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतः वे विभिन्न स्तर पर है। क्योंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, अतः वे जीव का चिर संगी माने जाते हैं। और भगवान का निर्णय, अब परमात्मा के ये कार्य है, परमात्मा पहले तो सबके साथ समान है, उपदृष्टा, फिर है अनुमंता, और फिर है भक्तों को सुहृद। तो यहां भगवत गीता के तीन श्लोक दिए गए हैं जिसमें भगवान के अलग अलग काम हैं परमात्मा के। आप निकालिए जरा 13वें अध्याय का 23वां श्लोक क्या लिखा है। भगवत गीता 13वां अध्याय 23वां श्लोक क्या है निकालो। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर जी, इसका मतलब वो सबके साथ व्यवहार करते हैं, वो है। अब ये जो मार्गदर्शक है ये है किसका, जो अध्यात्मवादी है। ये 5:16 निकालिए। 5:16 जी। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशित मात्मना तेषाम आदित्य वज ज्ञानम, तेषाम आदित्य वज ज्ञानम यहाँ प्रकाशयति तत्परम। उसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश कराते हैं ज्ञानी नाम, क्या शब्द है पहला शब्द क्या, ज्ञानेन तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। ये है जो निष्काम कर्म से ज्ञान के स्तर पे निष्काम कर्म करते हैं उनका भगवान अज्ञान नाश करते हैं, ये गाइड है। अब 10:10 है, भगवान तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। तो भगवान अपने धाम में ले जाने के लिए जो उसका जो जो भक्ति के रस हैं, दास रस आदि की प्राप्ति कराते हैं, ये तीन परमात्मा के कार्य बताए। अब हमारे पास 8वां अनुच्छेद आ रहा है अंतिम, इसमें सो अहम से दासो अहम तक प्रभुपाद ने सिखाया है। और एकत्व भगवान के साथ गुणों में जरूर है, परंतु सदा ही मात्रा में समानता नहीं होती, ये मुख्य बात है। तो आइए इसके बाद कुछ और है वो पढ़ेंगे, लेकिन आप ये अनुच्छेद पढ़ के पूरा कीजिए। सर्वव्यापक जो भगवान का स्वरूप है, ये असल में आपको जो पढ़ेंगे तो ये वान शब्द की परिभाषा है, वसति। अब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये वसति शब्द की परिभाषा है और भगवान सब में है और सब भगवान में है। अब पढ़िए, आपको ये ऐसे लग रहा है, देखिए पढ़िए। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने जागने तथा संभवित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत है, अतः वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सबके स्रोत है। जो ये जान जाता है वह तुरंत भगवान को भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ मिलता है तो उन सबके पास
भगवान के दिव्य कार्य कलापों की महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं है, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहलू का साक्षात्कार किया है, वे शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी खुद की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद 1:23 में कहा गया है, भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से के परे है। अब आपने एक ये देखा कि जीव जो है वो अवस्थाओं का बात किया, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये सब ज्ञानियों के भरी भाषा, हमारी भक्ति में चलता नहीं है इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं, लिखा पड़ा है इसमें। और ये सारे जीव शक्ति जो है वो बद्ध जीव और मुक्त जीव, ये सब ब्रह्म से निकलता है। इसका मतलब जैसे सूर्य के किरणे हैं ऐसे ये किरणे हैं, इसका कहने का अर्थ ये है। अब यहां देखिए आप क्या लिखा है, भक्तिमयी सेवा करने का फल क्या मिलता है, साधु हृदयम मयम, साधु मेरे हृदय में है, साधु नाम हृदयम तो अहम, मैं साधु के हृदय में हूं, मद अन्य ते न जानाती, मुझे छोड़ के और कुछ वो नहीं जानते, ना हम ते भ्यो मनागपी, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता हूं। ये भी एकत्व है, ये वसति भगवान का एक अर्थ है भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान सदा हृदय में रहते हैं भक्तों के, और भक्त सदा भगवान के हृदय में रहते हैं, ये एकत्व है, ये है दासो अहम का एकत्व। अब जो ये बताया गया है दो प्रकार के, अभी देखा जीव बताया दो प्रकार के, बद्ध और मुक्त, आपने देखा ना, ये भगवत गीता के 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है, दिवो इमो पुरुष लोके क्षर चाक्षर एव च क्षर सर्वानी भूतानी कुटस्थ्वाक्षर उच्यते। जीव आत्मा दो प्रकार के हैं, एक क्षर है दूसरे अक्षर है, क्षर का मतलब बद्ध और अक्षर का मतलब मुक्त जीव। अब दूसरा श्लोक कहता है उत्तम पुरुषवस्तु अन्य, इन दोनों से एक उत्तम पुरुष है, परमात्मा उदार उसको परमात्मा कहते हैं, यो लोको त्रयम आविश्य, वो तीनों लोकों में प्रविष्ट है, विभर्त्य अव्य ईश्वर है, वो सबका भरण पोषण करते हैं, ये परमात्मा की बात कर रहे हैं। और आगे क्या लिखे, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, जो बद्ध जीवों से भी आगे है, अक्षराम अपि चोत्तम, और जो मुक्त जीवों से भी परे है, सो अतो अस्मि लोके वेदे च, इसलिए लोक में और वेद में भी पृथित्त पुरुषोत्तम, मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, ये भगवान की परिभाषा है। यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जैसो जो मुझे बिना भ्रमित हुए पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, सर्व सर्व विधि भजन्ते माम, वो हर प्रकार से मेरी सेवा भक्ति में लगता है, सर्व भावे न भारता, इसका मतलब दास भावे से भी लग सकता है, सखा भाव से भी लग सकता है, वात्सल्य भाव से भी लग सकता है, और माधुर्य भाव से, कोई भाव भी होगा किसी न किसी भाव से मुझसे प्रेम करेगा। और ये कठोपनिषद का श्लोक है जो आपके तात्पर्य में दिया हुआ है 3:23, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेदसा न बहुना श्रुते न यमे वैश्य वृणोत्ति तेन लभ्यम तस्यैव आत्मा वृणोत्ते तनुम स्वाम। जो परम भगवान है उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है बड़े बड़े प्रवचन देकर, न ही बुद्धि से बड़ा विद्वान हो नहीं, और न ही केवल सुनने से शास्त्र को, और उनको केवल प्राप्त किया जा सकता है जिसको भगवान चुनते हैं, वृणुते हैं, जिसको वर्ण करते हैं, ऐसे भाग्यशाली भक्त को के ऊपर भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। यह हमारा
सोलवा श्लोक पूर्णावति पे पहुंचता है और अभी तो हमारे पास टाइम है। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? अब दो श्लोक हमारे बचते हैं। वायर व्हाइट वायर लेना, व्हाइट वाला ऊपर होगा। हाँ जी आप जी। हाँ 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 जी, क्या प्रश्न है बोलिए। प्रभु जी, जीवात्माओं को कैसे परिभाषित किया जाएगा? जीवात्मा बिना भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, स्वांश शक्तियां नहीं है, विभिन्न शक्तियां हैं जो दो प्रकार की होती हैं, बद और मुक्त। क्या प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है प्रभु जी, मंत्र 16 के तात्पर्य में जीवात्माओं को कैसे परिभाषित किया गया है? जीवात्माओं को कैसे परिभाषित किया गया है? जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। जीव भौतिक जगत में स्वामी बनने के लिए अपने आप को प्रयास करते हैं, उसको सब सुविधाएं दी जाती हैं, परंतु वो परम स्वामी नहीं है। वो गुणों में भगवान के समान है परंतु मात्रा में भगवान के समान नहीं है। और जो जीव दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। जो बद्ध जीव हैं वो संसार में भोग करते हैं इंद्रियों का, जो मुक्त जीव हैं वो भगवान की सेवा में लगते हैं, और दोनों भगवान से एक हैं। एक का एकत्व ये है, मायावादियों वाले नहीं, गुण में बराबर हैं, दोनों में गुण एक जैसे हैं, परंतु भक्तों के हृदय में भगवान, भगवान के हृदय में भक्त। तो ये सारे का देखेंगे तो जो जीवात्मा के लिए जहां जहां, और आप पहले पहले लिखा है पहली लाइन में सूर्य और सूर्य का अंश। तो जीव भगवान की शक्ति है और शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं होता है, और अंतर है भी, ऐसे करके आप इसकी पूरी परिभाषा लिखिए। और कोई प्रश्न है? कल्याणतम और पूषण का एक बार फिर से बताइए अर्थ। कल्याणतम पैराग्राफ सी में है, पूषण का। कल्याणतम का अर्थ है कि भगवान परम मंगलकारी है। असल में इसका मतलब भगवान की अनुभूति मंगलकारी है, और वो तीन स्तर पे है, गुड बेटर बेस्ट। जो भगवान के केवल शक्ति रहित ब्रह्म प्रकाश की अनुभूति ज्ञानी करते हैं वो है कल्याण। जो भगवान के भौतिक शक्तियों सहित परमात्मा के रूप की अनुभूति करते हैं वो है कल्याणतर। और जो भगवान की सर्वशक्ति संपन्न अनुभूति करते हैं वो है कल्याणतम। और ये है भगवान परम सत्य की पूरी पूर्ण अनुभूति, ये है कल्याणतम की परिभाषा। और पूषण की परिभाषा है भगवान सर्व का भरण पोषण करने वाले हैं और मार्गदर्शन करने वाले हैं, और अभिभावक भी है और संरक्षक भी है। और ये भगवान अपने भक्तों को अपनी भक्ति में लगने के लिए सहायता करते हैं, अपने धाम में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये पूषण की परिभाषा हमारे पुस्तक में लिखी है, और इससे एक सिद्धांत स्थापित किया गया है कि जिसके ये गुण हो सकते हैं वो निर्गुण निराकार नहीं हो सकता। हाँ जी, फिर भूल जाएंगे, पढ़ते हैं तब याद होते। हाँ जी, कोई प्रश्न है? हो
और प्रश्न तो प्रभु जी शायद किसी का भी हैंड रेस नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। हम थोड़े से कुछ तीन तीन चार अनुच्छेद पढ़ लेते हैं 16वें मंत्र के 17वें के जी जी, और ये थोड़ा लंबा भी है, और मैं समझता हूँ एक क्लास में पता नहीं आज मैं निकलूंगा यहाँ से, कल सुबह 6 बजे ले पाऊंगा तो मैं आपको शाम को बता सकता हूँ। कल सुबह 6 बजे लेंगे तो मैं सोचता हूँ इसको एक बार पूर्ण कर दें। परसों से मेरी कहीं कथा होगी, फिर मैं बिजी हो जाऊं, हो सकता है एक आधी और क्लास कोई लेनी होगी तो लेंगे, मुझे संपर्क करना। तो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा मंत्र? 17 प्रभु जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन है शायद अमित राज प्रभु का। बोलिए। नहीं माता जी, आगे पढ़ने के लिए मैंने रिक्वेस्ट जी जी प्रभु जी। ये मंत्र 17वां है। वायो अनिलम अमृतम अथेदम भस्मातम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर सिमरा। ये जो पहला अथेदम भस्म नाम भस्मांतम शरीरम, इस अस्थाई शरीर को जल जाने दीजिए, खाक बनने दीजिए। ये अथेदम भस्मांतम शरीरम का अर्थ है। इस अस्थाई क्षणक शरीर को जल के भस्म होने दीजिए। और फिर लिखा है वायु अनिलम अमृतम, और यो इस शरीर में जो वायु है उसको, जो सारी वायु है उसके साथ मिलने दीजिए। अब भगवान ओम, हे मेरे नाथ, कृतो स्मर, कृपा करके याद करना। क्या कृतम स्मर? जो मैंने यज्ञ किए हैं, आपकी पूजा किया है, तप किया है, उस सबको याद करना। कृतो, क्योंकि आप सबके जो है आशीर्वाद दाता हो, अंतिम सबके फलदायक हो, इसलिए कृपा करके स्मरण कीजिए। जो कुछ कृतम स्मर, जो मैंने किया है आपके लिए, उसको याद कीजिए। अब इसका अनुवाद पढ़िए श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक से। पढ़िए। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोष में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और क्योंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। अब इस श्लोक में, इस मंत्र में जीव भगवान को भगवत धाम जाने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के उपरांत भगवत धाम जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सारे कार्यों को याद करना, मेरे सारे यज्ञों को याद करना, जो मैंने इस भौतिक शरीर से जलने से पहले जो आपकी सेवा की है, ये प्रार्थना कर रहा है भक्त अंतिम समय पूर्ण चेतना के साथ, जो उनने पहले किया है और उसके परम लक्ष्य के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। और ये आप देखिए, फिर इस अंतिम विभाग का विभाजन ऐसे है, 15 और 16 श्लोक में ऋषि प्रार्थना करता है कि भगवान हमको ब्रह्म ज्योति से आगे आपके स्वरूप का दर्शन कराओ, और 17 और 18 श्लोक में कहा जाता है कि बद्ध जीवन के सारी बाधाओं से भगवान हमको निकाल कर अपने धाम ले चलो। तो भौतिक जगत की जो बाधाएं हैं उनसे हमें मुक्त कीजिए और अपने धाम में हमें प्रवेश दीजिए। और इसमें 15 अनुच्छेद हैं। पहले 3 अनुच्छेद आज हम पढ़ेंगे, और इन पहले 3 अनुच्छेद में भौतिक शरीर हमारा बाहर वेश है, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। भौतिक शरीर हमारा बाह्य देश है, बाहर का है, हमारा अपना स्वरूप नहीं है।
और चार और पांच अनुच्छेद में लिखा है इस शरीर को त्यागने का अच्छा तरीका है भगवान का शरण लेना, न के ब्रह्म ज्योति में जाना। छह और सात अनुच्छेद में लिखा है अंत समय के विचार की महिमा और मानता। आठ और नौ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के सेवा को कभी नहीं भूलते। और दस और ग्यारह अनुच्छेद में है भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा ही सबके लिए उपलब्ध है भक्ति के द्वारा। और भक्ति फिर कहां है? भागवत में इस श्लोक का विस्तार से वर्णन है और अन्य वर्ष श्लोकों का भी। और अंतिम तीन अनुच्छेद में लिखा है भक्ति के द्वारा मृत्यु की तैयारी करना। सो ये काफी लंबा है मंत्र, तो आइए पहले तीन अनुच्छेद तो आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये भौतिक शरीर क्या लिखा है? अस्थाई भौतिक शरीर निश्चित रूप से क्या है? क्या लिखा है? हाँ जी, बाह्य वस्त्र है, ऐसे लिखा है ना। ये क्षणभंगु शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। पराया वस्त्र है, ठीक है। भगवत गीता 2:20 में कहा गया है, 2:20 क्या है भगवत गीता? वासांसि जीर्णानि यथा व्याह, ये श्लोक है या न जायते मृत्ये वा कदाचन? मैंने न जायते वो 22 है शायद, 20 वासांसि है क्या? न जायते मृत्ये वा कदाचन नायम भूतो भवितो वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयम प्राणो न हन्यते अनिमाने शरीरे, ये श्लोक है। अब इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए कैसे लिखा पड़ा है, देखिए 2:20 क्या कहता है भगवत गीता का। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये तो वो श्लोक है जिसकी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ ये नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? वो तो है वासांसि जीर्णानि श्लोक का अर्थ। यहाँ लिखा है भगवद गीता 2:20 में स्पष्ट कहा गया है कि बोली पढ़िए। इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, न ही वह अपनी पहचान खो देता है। ये जो ये लाइन एक है, इसको ध्यान में रखना है, वो अपना व्यक्तित्व नहीं खोता। पहचान शब्द ठीक नहीं है, पहचान शब्द से महत्वपूर्ण शब्द है, प्रभुपाद ने उसको लिखा है आइडेंटिटी। उसका व्यक्तित्व नहीं खोता है। अब वो व्यक्तित्व कैसा है उसका? जीव आत्मा का व्यक्तित्व कभी भी निराकार नहीं है, उसके विपरीत ये भौतिक बाहर का जो शरीर है ये निराकार है। और इसको जो आकार मिलता है वो जीव आत्मा के आकार के आधार के ऊपर मिलता है। ये लाइनें बहुत गंभीरता से समझने की है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपके कपड़े बनाते हैं तो आपके शरीर की नाप लेके बनाते हैं ना। कपड़ा जब थान में पड़ा है तो वो तो निराकार है, उसका कोई रूप है क्या? नहीं है। आपके शरीर के अनुसार बनाते हैं। ऐसे 84 लाख जीवों की जूनियां बनती हैं, वो उनके असल में उनका अपना एक रूप है। रूप है का मतलब है उसको आंख है, उसको कान है, उसको नाक है, उसको हाथ है, उसको पांव है, सब कुछ है। कहीं विकसित है, कहीं नहीं विकसित है। तो जीव आत्मा को अपना रूप है, स्वरूप है, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसको अपनी पहचान है। और ये भौतिक शरीर निराकार है, इसका मतलब क्या? ये तो 5 भूतों का है, भला अर्थ का कौन सा रूप है भाई? पृथ्वी का, आकाश का कौन सा रूप है? जल का कौन सा रूप है? वायु का कौन सा रूप है? अग्नि का कौन सा रूप है? तो ये है असल में निराकार।
निराकार जीव नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी ने यहां बहुत गंभीरता से लिखा है, कोई भी जीव वास्तव में निराकार नहीं है। जैसे कम अकल वाले गलत सोचते हैं, ये मंत्र विशेष रूप से जीव आत्मा शरीर के नाश होने के बाद भी रहता है, इसकी इसका जो है प्रमाण दे रहा है। यहां हमारा पहला अनुच्छेद पूरा होता है, पढ़ के पूरा आप दोबारा पढ़िए हिंदी को, मैं तो अंग्रेजी से पढ़ रहा हूँ, मेरी हिंदी अपनी है, पढ़िए। जीव आत्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता, क्योंकि निर्विशेष। हाँ, निर्विशेष मतलब ये जैसे भगवान को निराकार निर्विशेष कहते हैं ना, ऐसे आत्मा को निराकार निर्विशेष। निर्विशेष का मतलब क्या है? प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं। यह मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। तो निर्विशेष का क्या अर्थ है, कोई मुझे समझाएगा? निर्विशेष किसको कहते हैं? हाँ, हाँ जी, निर्विशेष किसको कहते हैं? जिसमें कोई विशेषता नहीं है। कोई विशेषता नहीं है का मतलब एक जैसा है सब, ऊपर आकाश की ओर देखते हैं कोई विशेषता नहीं, सब एक नीले का नीला दिख रहा है। जिसमें कोई विशेषता नहीं है, तो क्या जीव में कोई विशेषता नहीं है क्या? जीव सत है, जीव चित्त है, जीव आनंद है, ये तीन विशेषताएं हो गई ना भाई। जीव तो सच्चित आनंद है कि नहीं है? भगवान को भी निर्विशेष कहते हैं कि उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई रंग नहीं, उनका कोई धाम नहीं, ये निर्विशेषता है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारने। अब दूसरे अनुच्छेद में हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति ने बहुत सुंदर कलाकारी की है और बहुत कृपा, 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर बनाए हैं। वो कौन से आधार पे बनाए हैं? जैसा जिसकी इंद्रिय तृप्त की मनोकामना थी। अगर कोई जीव चाहता है कि मैं विष्टा खाऊं तो उसको विष्टा खाने वाला शरीर भगवान दे देते हैं सूकर का, और कोई कहे कि मैं मांस खाऊं और लहू लहन करूं जीवों को, तो भगवान उसको वो शरीर दे देते हैं, पशु का बाघ का शरीर दे देते हैं। उसका काम है फिर दूसरों को चीर फाड़ के खा ले। परंतु मानव का शरीर जो है वो मांस खाने के लिए नहीं है, और नहीं वो विष्टा खाने के का स्वाद लेने के लिए है। कोई अगर जंगली भी होगा तो ऐसे नहीं कर सकता है कि विष्टा खाए। हाँ, मानव के लिए दो जो है चीर फाड़वा करने वाले दांत है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नीच जूनियों में हैं और उसको मांस खाने को छोड़ नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा उसको कंसेशन दिया हुआ है। यहां ये अनुच्छेद ऐसे पूरा होता है। इसका मतलब ये बाहरी वेश हमारा है, ये बदलने वाला है, और ये वेश हम अपनी इच्छाओं से अपने कर्मों के अनुसार भगवान के निर्देश से प्राप्त करते हैं। लेकिन मानव का अगर शरीर मिल जाए, अब प्रभुपाद जी अब इवोल्यूशन लिख रहे हैं नीचे वाले अनुच्छेद में, किसी भी हालत में भौतिक शरीर है, चाहे वो मानव का हो या पशु का हो, वो है तो बाह्य वस्त्र,
और हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से वो शरीर परिवर्तन होते हैं, और इस परिवर्तन के चक्कर में एक शरीर को दूसरा शरीर, एक शरीर आत्मा छोड़ती है दूसरे में जाती है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ये सारे संसार में जल निगमन था संसार, तब तो इसके अंदर केवल जलचर थे, और फिर जब कुछ धरती प्रकट हुई तो उसके ऊपर घास आदि हुआ, और घास के बाद कुछ पशु हुए, यानी घास के बाद कुछ कीट हुए, और फिर कुछ पक्षी हुए, और फिर पशु हुए, और अंत में मानव हुआ। और जब मानव हुआ तो उस स्थिति में उसके जो इंद्रियां हैं पूर्ण विकसित हैं, काय के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब इंद्रियां सब जीवों में हैं, परंतु वो विकसित नहीं है, वो संकुचित हैं, और अपने आध्यात्मिक इंद्रियों का सर्वोच्च जो विकसित होना है वो इस मंत्र में बताया गया है। और वो क्या है, इस शरीर को भस्म करके और प्राण को अखंड प्राण में समा कर जीव को जो उसने शरीर से कार्य किए हैं, और सारे जो जीव में कार्य करता है वो प्राण से करता है, प्राण से शक्ति मिलती है, और वो प्राण वायु से करता है। प्रभुपाद जी कह रहे कार्य सारे होते हैं वो शक्ति से होते हैं, प्राण से होते हैं, जीवन में प्राण है तो कार्य हो। और फिर प्रभुपाद जी का मन जा रहा है कि कार्य कैसे करते हैं, कौन कौन कार्य कैसे करता है, तो वहां कहते हैं योगी जो है वो इस प्राणायाम करना सीख जाते हैं, और वो इस प्राण को नीचे के चक्रों से ऊपर ले जाते हैं। ये छठ चक्र भेदन की बात हो रही है, मूलाधार चक्र से शुरू करके, और यहां एक ही चक्र का नाम लिखा है ब्रह्मरंध्र, वहां तक प्राण वायु को ले जाने के बाद वो जहां चाहे जिस लोक में चाहे वहां जा सकते हैं अपनी इच्छा से, परंतु उत्तम परिवर्तन तब होता है जब जीव भौतिक शरीर को सदा के लिए छोड़कर, जैसे इस मंत्र में कहा गया है, आध्यात्मिक वातावरण में चला जाए, जहां उसको फिर कोई भौतिक शरीर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी आध्यात्मिक शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, और तब उसको न मृत्यु होगी न दोबारा शरीर मिलेगा। तो ये शरीर छोड़ने के लिए योगी कैसे शरीर छोड़ते हैं वो एक बात यहां बताई गई है। अब हमारे अनुच्छेद दूसरे आ रहे हैं, अब इसके बाद यहां लिखा है हमारा शरीर की प्रति कैसा मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो इस दुनिया में कर्मी जो है वो शरीर को समझते हैं कि इसका भोग करो, ये शरीर भोग के लिए मिला है, और ज्ञानी कहते हैं इस शरीर को सुखाने के लिए मिला है, इसको छोड़ दो, इसको सुखा दो, परंतु भक्त कहते हैं इस शरीर को भक्ति के कार्यों में उपयोग में लाओ। तो ज्ञानियों का, कर्मियों का और भक्तों का शरीर के प्रति जो मनोभाव है वो अलग अलग होता है। अब यहां जो हमने पढ़ा था नीचे से ऊपर जोनियों में जीव कैसे जाता है, जो अभी हमने दूसरा अनुच्छेद पढ़ा है, हमने जो शरीर धारण किया है हमारी इच्छाओं के अनुसार, जैसे हम पानी के किसी वाटर पार्क में जाते हैं तो ऐसे कपड़े ऊपर हमको पहनाते हैं, या कोई खिलाड़ी जाता है उसके अपने कपड़े हैं,
पुलिस वाला है अपने कपड़े हैं, डॉक्टर है अपने कपड़े हैं, ऐसे हमारे शरीर भी हमारी इच्छाओं के अनुसार, वी ड्रेस फॉर एंड ड्रेस बाय आवर डिजायर्स। और अब चौथा अनुच्छेद में हम आ गए क्या? जी प्रभु जी, तीसरा पढ़ चुके हैं। तो चौथे अनुच्छेद में ब्रह्म तक भी जाने वाला का पतन होता है, ये इसमें भाव दिया हुआ है। तो हम चौथा अनुच्छेद पढ़ते हैं आज। लंबा है थोड़ा, चलो चौथा अनुच्छेद पढ़िए। यहां पर इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को